दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय PTDC, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं पहुंच चुका हूं मिशन कश्मीर सीरीज़ में अपने सेकंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के अंदर। कल का जो मेरा दिन था वो कोटली में गुजरा। आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मैं कोटली से शाम को निकलने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद मैं मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो गया था। और डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते ही सबसे पहले जो मीरपुर की तहसील आती है, छोटा सा गाँव आता है, उसका नाम है पलाक। तो मैं पलाक में अभी रह रहा हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत ही प्यारे भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह शायद भाई उनका यहाँ पे घर है, उन्होंने मुझे स्टे दिया। वो UK में वैसे रहते हैं। और बाकी जो मीरपुर की हिस्ट्री है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का जो हमारा व्लॉग होगा वो हम मीरपुर शहर की थोड़ी सी हिस्ट्री, ये कैसे बना, क्यों इसको मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता है और इसकी कौन कौन सी मशहूर जगह हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और थोड़े से खाने शाने यहाँ के दिखाएँगे। और क्योंकि काफ़ी अगर मैं पूरे कश्मीर में देखूँ तो सबसे डेवलप्ड सिटी जो है वो मीरपुर को कहा जाता है। तो मीरपुर की कुछ जगह मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आप मेरे साथ देखेंगे। यहाँ पे जो मंगला डैम है और फिर कुछ फोर्ट हैं और फिर कुछ ऐसे माउंटेन के भी टॉप्स हैं, वो आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। तो चलते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मीरपुर को एक्सप्लोर करते हैं। ओके जी, सबसे पहले मीरपुर में जब आप आएँ तो पलाक के अंदर मैं आ गया हूँ एक बड़े खूबसूरत पॉइंट पे, जो कि मंगला डैम की आप समझ लें कि टेल एंड है, जहाँ पे पानी मंगला डैम का इकट्ठा होता है। तो हम लोग अब करेंगे मंगला डैम के अंदर कश्ती के अंदर एक छोटा सा सफ़र। और जो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट और ये पलाक स्पेशली इस रीजन की जो हिस्ट्री है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब हम पानी के सेंटर में चले जाएँगे। आ जाए मेरे साथ। ओके जी, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं कश्ती में। पलाक से बैठा था और जो मंगला डैम का पानी है उसके सेंटर में इस वक्त पहुंच चुका हूं। और यहां पे मैं आपके साथ थोड़ी हिस्ट्री शेयर करूंगा कि क्यों मीरपुर को, जो यहां का डिस्ट्रिक्ट है, इसको मिनी इंग्लैंड कहा जाता है। बेसिकली 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, सिंध तास का मुआहदा हुआ और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में पानी की तकसीम हुई, तो जो रिवर रावी था, ब्यास और आई थिंक सतलुज, ये इंडिया को मिल गए और पाकिस्तान को मिल गए रिवर इंडस, सतलुज और झेलम। लेकिन जो जितनी भी पानी हमारा रावी से आता था वो क्योंकि यहाँ से गुजरता था, उस वजह से यहाँ की ज़मीनों के लिए पानी की कमी हो गई, जिसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम यहाँ पे डैम बनाएंगे ताकि इससे नीचे जितनी भी फसलें हैं उनको पानी मिल सके। तो उसके लिए यहाँ पर जो मंगला का मुकाम है, यहाँ पर एक मंगला नाम का विलेज हुआ करता था, इस पूरे एरिया को प्लान बनाया गया कि यहाँ पर मंगला डैम का जो पानी का रिजर्वायर है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। इस वजह से उस मंगला विलेज के नाम से इस डैम का नाम भी मंगला डैम रखा गया। तो 1961 में जब यहाँ की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो तकरीबन 250 से भी ज़्यादा जितने भी यहाँ पे विलेजेस थे वो उस पानी के अंडर आ गए। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और UK की गवर्नमेंट ने इसमें एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया और यहाँ के जितने भी लोग थे उनको कंपनसेट करने के लिए UK के अंदर वर्क परमिट्स दिए गए और उन सबको वहाँ पर इस तरह कंपनसेट किया गया। तो इस इलाके के जितने भी लोग थे मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, काफ़ी लोग जिनके वहाँ पर घर आए थे वो चले गए UK। और आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी लोग, फिर हर घर से अगर आप देखें तो
80% यहाँ की जो आबादी है, जो एक्चुअल यहाँ की रजिस्टर्ड है, वो लेकिन रहती है यूके के अंदर, लंदन के अंदर और जितने भी और यूके के अंदर सिटीज़ हैं। उस वजह से मीरपुर शहर को मिनी लंदन भी कहा जाता है। देखने में लंदन ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ के लोग रहते ही लंदन में और सबकी प्रॉपर्टी, सबके घर और सबके कोई एक दो भाई, उनके पेरेंट्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं और आते भी रहते हैं, और मैं भी जिनके घर में रह रहा हूँ, शाहिद भाई के, वो भी लंदन में रहते हैं और उनका घर यहाँ पर भी एक बना हुआ है। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। मैं भी मज़ीद यहाँ पर बोटिंग करता हूँ, ज़रा चक्कर लगाता हूँ, और यहाँ से चक्कर लगाने के बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा मीरपुर के किसी और पॉइंट के ऊपर। ओके जी, हम अब निकल पड़े हैं मीरपुर में पलाक सिटी से, पलाक गांव से, और पलाक से अब हम जा रहे हैं मीरपुर सिटी में। थैंक्स टू आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट, जिन्होंने मुझे फैसिलिटेट कर रही है और हमें लेके जाएगी विज़िट करवाने रामकोट फोर्ट। ओके जी, मैं आपको इस वक्त लेके जा रहा हूँ मीरपुर का एक ब्रिज, बड़ा फेमस दिखाना है यहाँ पर, जिसका नाम है रठोआ हरेआम ब्रिज, जो कि पिछले तकरीबन कोई 10 सालों से इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, और अगर कंप्लीट हो जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों को फ़ायदा है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं। न्यू चक हरेआम, तो ये है मीरपुर का 5 किलोमीटर लंबा खूबसूरत लेकिन बदकिस्मत ब्रिज, जो पिछले 10 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद कंप्लीट नहीं हो रहा। रठुआ हरेआम नामी ये ब्रिज इस्लामगढ़ को मीरपुर सिटी से मिलाता है, और इस पुल की वजह से 35 मिनट का फासला कम होकर सिर्फ 5 मिनट का रह जाता है। आई होप इसकी इंजीनियरिंग में जो भी इशू है वो जल्द रिजॉल्व हो जाए। फिलहाल पुल के ऊपर से तो नहीं, लेकिन पुल के नीचे से हमें ये फासला अबूर करना पड़ेगा। पुल पे तो हम जा नहीं सके थे, बिकॉज ये तो पता नहीं कौन सी सदी में जाके कंप्लीट होगा। तो अब हम आ गए नीचे, इस पुल के नीचे यहाँ से कश्ती चलती है, जो कि हमारा तकरीबन आधा घंटा सेव करेगा। जो अगर हम इस्लामगढ़ से मीरपुर जाते बाय रोड तो तकरीबन हमें 35 मिनट लग जाते, लेकिन ये कश्ती पे अगर हम अपनी बाइक को ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो क्रॉस कर लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम 2 या 3 मिनट के अंदर हम दूसरे किनारे पे पहुंच जाएंगे। तो अपनी बाइक को शिफ्ट करते हैं और इस्लामगढ़ से अब मीरपुर हम जाएँगे कश्ती में बैठ के। अगली ब्रेक दबा, सिर्फ 35 रुपए में हम क्रॉस करके आ गए हैं, और आपके 35 मिनट बच गए हैं इस कश्ती की वजह से। सो अब फाइनली हम लोग मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर हो गए हैं, ऑफिशियली मीरपुर सिटी के अंदर, जो कि मेन इनका कैपिटल है इस डिस्ट्रिक्ट का, और यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा आबादी, और आप यूँ समझ लें कि जो डेवलप्ड एरिया है। ये कौन सा बाजार है?
ये संगोट है ना, अभी इसे पुरानी हट्टियां कहते हैं। पुरानी हट्टियां। ऑलराइट जी, हम अब जाने लगे हैं आज रामकोट फोर्ट विज़िट करने। मीरपुर आए तो ये ज़रूर विज़िट करें, और नॉर्मली रामकोट विज़िट आप कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जब मानसून की बारिशें हो जाती हैं और पानी भर जाता है। अदरवाइज़ पानी नहीं होता तो आप रामकोट फोर्ट तक भी नहीं पहुंच सकते। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और शायद अक्टूबर भी। यूके बोटिंग क्लब है जी जो लेके चलता है यहाँ से। ओके जी गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं जो बोटिंग क्लब है यहाँ पे मीरपुर पे, पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल पास है जहाँ से बोट्स वगैरह चलती हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त, अगर आप पीछे देखें, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया हुआ, जिस तरह दुबई वगैरह में आप जाते हैं कुछ पानी के दरमियान में अपनी कोई पिकनिक पार्टी वगैरह करने, तो इन्होंने यूके बोटिंग क्लब है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये सेटअप बनाया हुआ है। और इसी तरह जो रामकोट जाने के लिए जो बोट चलती है वो ये है जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है। 5 से 6 इसमें सीटें होती हैं, और इसका भी जो आने जाने का रेंट है ये लोग 5 से 6 हज़ार रुपया लेते हैं इस स्पीड बोट का। और ऑलमोस्ट टाइम लगता है रामकोट जाने का यहाँ से 10 से 12 मिनट, और बाकी जो डिटेल्स है वो हम रामकोट में जाके आपको बताएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं अब रामकोट फोर्ट की निचली सीढ़ियों पर। यहाँ पर बोट्स पार्क होती हैं और यहाँ से हमें ऊपर जाना है। तकरीबन 100 सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं, लेकिन सुना है कि 300 प्लस सीढ़ियाँ इसकी। बेली है जी, बेली जो है ना मीरपुर का गांव, वहाँ से ये ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पे आते हैं। तो आप ऐसे क्या करते हैं यहाँ पे? ये है दुकान। अच्छा, दुकान वगैरह जो कैंटीन यहाँ पे चलाते हैं। चलें जी, अभी कैंटीन का भी शुक्र है यहाँ पे इंतज़ाम है, और एटलीस्ट यहाँ पे अभी बेंच वगैरह और डस्टबिन और ये चीज़ें लग रही हैं। और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो टूरिज़म डिपार्टमेंट यहाँ पे काफ़ी अब एफर्ट कर रहा है कि इस जगह को भी थोड़ा उठाया जाए और लोगों के लिए ज़रा बनाया जाए। So
फाइनली हम बोट की राइड करने के बाद मीरपुर शहर से निकले और पहुंच गए हैं इस पानी के दरमियान में, इस किले के अंदर। और इस किले को कहा जाता है रामकोट फोर्ट। इस रामकोट फोर्ट की अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत जगहों के ऊपर इसको हज़ार साल पुराना किला भी कहा गया है, और कई जगहों पे इसको बारे में लिखा गया कि ये अकबर के दौर में और शेरशाह सूरी के दौर में बनाया गया 16वीं या 17वीं सदी के अंदर। लेकिन जब आप इस जगह के ऊपर आके विज़िट करते हैं और यहाँ के ऊपर जो छोटी छोटी जगहों के ऊपर इसकी तारीख लिखी हुई है, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर किसी ज़माने में हिंदू मंदिर हुआ करता था, जो कि वाकई तकरीबन 900 या 1000 साल पुराना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जिसमें जिसके सेंटर में एक शिवलिंग का पत्थर भी बना हुआ है, जहाँ पे जो हिंदू हैं वो वहाँ पे वो जो दूध और मक्खन और इस तरह वो जो घी वगैरह के चढ़ावे चढ़ाते हैं वो बना हुआ है। और इसके अलावा उसकी दीवारों पे अगर आप देखें तो वो मूर्तियाँ रखने की जगह या जो वो दिए रखने की जगह वो भी बनी हुई है। तो उसकी आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उसकी हिस्ट्री पता की है तो वो वाकई 1000 साल पुरानी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे एक साइड के ऊपर इधर जो पीने का टैंक है वो आपको नज़र आता है, और दूसरी साइड पे अगर हम पीछे देखते हैं तो वहाँ पे आपको वो टैंक नज़र आता है जहाँ पे जितने भी हिंदू लोग हैं वो अपने आप को पाक करने के लिए यहाँ पे नहाते थे। इसके साइड पे चलने की भी जगह है, और फिर यहाँ से नहाने के बाद अपनी इबादत के लिए जाते थे मंदिर। ये वो पोर्शन है जो कि 1000 साल पुराना है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ से हिंदुज़म चला गया और फिर मुसलमान आ गए और यहाँ पे गखर कबीला आ गया, गखर के साथ शेरशाह सूरी और फिर अकबर का दौर, उस ज़माने के ये आसार फिर यहाँ पे मिलते हैं कि इस जगह को एक किले के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन जगह का नाम जो है वो रामकोट ही रहा, जो कि हिंदू जो गॉड है राम उसके नाम के ऊपर रखा गया। अकबर के दौर के अंदर कहा जाता है कि इस पूरी जगह को एक किले के अंदर बदल दिया गया। और ये किले की सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर आप इसके टॉप पे चले जाएं तो आपको चारों तरफ से एक तो पानी नज़र आता है, और ये वो पानी है जो पहले किशन गंगा यहाँ से रिवर गुजरा करता था, जिसका नाम अब आपको पता है कि नीलम झेलम रिवर भी इसको कहा जाता है। उस सेक्शन के अंदर भी मूर्ति रखने की छोटी छोटी जो हैं वो आर्चेज बनी हुई हैं, और ये दो छोटे कमरे बने हुए हैं, और इन कमरों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो लोहा जो है यहाँ से बरामद हुआ, और कुछ मूर्तियों के जो कुछ पीसीज हैं वो भी मिले हैं। मैं भी ऊपर नहीं जा रहा बिकॉज अभी एक मेरे जो फ्रेंड है वो ऊपर गए हैं, तो बहुत बड़ा एक सांप है वहाँ पर जो छुपा हुआ है, तो मैं फ़िलहाल अभी वहाँ पर नहीं जा रहा। ओके जी, रामकोट फोर्ट जो है वो आपने मेरे साथ विज़िट कर लिया है, तो मेरे साथ हैं कमर भाई, जो कि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर और भिम्बर के टूरिज़म के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं यहाँ पे। और थैंक यू सो मच कमर भाई कि आपने हमारा आज का यहाँ का जो ट्रिप है वो अरेंज किया, और हमें बहुत ही ये हिस्टोरिकल साइट देखने का मौका मिला जो कि बहुत ही शहर से छुपी हुई है, झेलम से भी मीरपुर से भी, और इतनी खूबसूरत जगह लगी है कि लिटरली मुझे जो पानी है उसका ग्रीन कलर और थाईलैंड याद आ गया, फीफी आइलैंड जिस तरह यहाँ पे खूबसूरती है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच जो आपने हमारा ट्रिप यहाँ पे अरेंज किया। शुक्रिया बिलाल भाई आपका, जो हमें इसके लिए पे आप आए हैं और तशहीर करेंगे हमारी यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतवजो करने के लिए यही है कि हम अनकरीब इस पर फेरी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं, और साथ में जो है वो कोई रेस्ट हाउस और लोगों के रिफ़्रेशमेंट का सामान भी कर रहे हैं, तो इसलिए आप जैसे लोगों की जो तावन है वो हमें दरकार रहेगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। चलें जी, ज़बरदस्त। अगर इधर कैंटीन बन जाए और बैठने की जगह, वैसे तो मैंने देखा है इधर बेंचेस वगैरह अच्छे लगे हुए हैं रास्ते में, और सीढ़ियाँ टोटल नीचे पानी से लेके ऊपर तक सीमेंट की बन चुकी हैं। और इसके अलावा अगर मज़ीद टूरिस्ट के लिए यहाँ पे अच्छी जगह बन जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी कमाल जगह है कि यहाँ पर अगर आप सनसेट के लिए आएँ ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और हम दोबारा अब चलते हैं बोट की तरफ और आपको ले कर चलते हैं मीरपुर शहर में।